हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑल एग्जाम सब चैनल पर। और एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से, जिसमें कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क की बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। और ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 22 अगस्त से। लास्ट जो डेट है इसकी वो 22 सेप्टेम्बर है। एग्ज़ाम फी पे करने की जो डेट है वो 23 सितंबर है। और इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, करीब 2756 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल मैं आपको इसमें देने वाला हूँ कि एलिजिबिलिटी है, कितनी वैकेंसी किस पोस्ट के लिए है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको इन सब वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशंस मिलते हैं और सारे अपडेट्स आपको यूट्यूब से पहले मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो ज़रूर से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि टोटल 2756 पोस्ट हैं। और सबसे पहले फीस की बात कर लेते हैं, तो जनरल और अदर स्टेट के लिए ₹500, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 400, एससी एसटी एंड पीएच कैटेगरी के लिए ₹350 यहाँ पे फीस रखी गई है। मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। सबसे पहले जो है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट राजस्थान हाई कोर्ट, यहाँ पर 320 पोस्ट हैं। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, आपने इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री अगर की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। क्लर्क ग्रेड टू राजस्थान स्टेट जुडिशियल एकेडमी, यहाँ पे 4 वैकेंसी हैं, जिसमें भी आपके पास सिर्फ मतलब बैचलर डिग्री और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 18 पोस्ट हैं, सेम क्वालिफिकेशन है। क्लर्क ग्रेड टू नॉन टीएसपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ पे 1985 यानी कि 1985 वैकेंसीज हैं। सेम आपका इसमें भी जो है वो एलिजिबिलिटी है। क्लर्क ग्रेड टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यहाँ पर 69 वैकेंसीज हैं, सेम एलिजिबिलिटी है। देन यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट नॉन टीएसपी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज इंक्लूडिंग तालुका लीगल सर्विसेज कमिटीज एंड लोक अदालत, इसमें 343 वैकेंसीज हैं, सेम एलिजिबिलिटी है सभी में यहाँ पे। और जूनियर असिस्टेंट टीएसपी के लिए 17 वैकेंसी हैं। तो बहुत इतनी सारी वैकेंसीज आपके सामने आई हुई हैं, टोटल 2756। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो बिल्कुल अप्लाई करें। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें अप्लाई भी कैसे करना है, पूरी डिटेल मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा टेबल बताया गया है कि मतलब कैटेगरी वाइज इसमें दिया गया है कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में है, तो उसको देख करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन बात की जाए इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आप इसको जाकर के पूरा पढ़ें अच्छे से, स्पेशली जो लोग अदर स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं, राजस्थान के अलावा अदर स्टेट से हैं, तो उनको ये नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि वो आपको पढ़ना जरूरी है। अगर आपने कुछ भी थोड़ी सी भी अगर गलती कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है? तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया गया है कि जो आपका पेपर होगा, ठीक है, इन्होंने ये सब चीज़ें पहले ही बता दी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द रिटन टेस्ट जो होगा आपका 300 मार्क्स का होगा, जिसमें कि आपका पार्ट वन हिंदी होगा, 100 क्वेश्चन, पार्ट बी इंग्लिश होगा, ठीक है, पार्ट सी में आपका जीके होगा, और टोटल आपका जो है 100 एंड 100 एंड 100, यानी कि यहाँ पे टोटल 300 मार्क्स का जो है वो होगा। मिनिमम मार्क्स जो हैं वो फॉर एससी एसटी एंड पीएच कैटेगरी के लिए यहाँ पे 120 होने चाहिए, फॉर अदर कैंडिडेट के लिए 135 मार्क्स होने चाहिए पास होने के लिए। 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा। देन लिखित परीक्षा का आयोजन, मेथड ऑफ कंडक्टिंग रिटन टेस्ट, ईच पार्ट शैल हैव 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बियरिंग 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू ओएमआर आंसर शीट, जो भी ये आपका टेस्ट होगा ओएमआर के थ्रू होगा। देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है। देन सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट शैल बी अंडर, आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसके अंडर में ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में। रिटन टेस्ट का मतलब है कि आपका जो ये जो सेक्शन ए मतलब जो रिटन टेस्ट जो आपका ये होगा ओ एम आर बेस्ड होगा, इसमें पूरा सिलेबस भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इंग्लिश में ये पूछा जाएगा। जीके में आपका करंट अफेयर, ज्योग्राफी एंड नेशनल रिसोर्सेज, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। देन क्वालिफाई होने के बाद आपका जो सेकंड जो सेक्शन होगा, यानी कि टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर जो होगा, वो इसमें देखिए आपका होगा पेपर वन स्पीड टेस्ट होगा, जिसमें आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों होगा। 5-5 मिनट का टेस्ट होगा, 25-25 मार्क्स का होगा। उसमें पासिंग मार्क्स भी देखिए दिया हुआ है, एस सी एस टी एंड पी एच के लिए 20 मार्क्स पासिंग, अदर कैंडिडेट के लिए 22.5। एंड पेपर टू आपका एक एफिशियंसी टेस्ट होगा 10 मिनट का, जिसमें आपको सेम मार्क्स लेकर के आने हैं पास होने के लिए। तो ये
क्राइटेरिया था और ये आपका सिलेबस था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे विजिट करेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आपको यहाँ पे देखिए डिटेल एडवर्टीजमेंट है, यहाँ से एडवर्टीजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स चेक कर सकते हैं। रजिस्टर नाउ पे सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, DOB, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड यहाँ पर एक आप यूजर नेम बनाएंगे। देखिए यूजर नेम इन्होंने बताया हुआ कि यूजर नेम शुड बी बिटवीन 6 to 30 करेक्टर, 6 से 30 करेक्टर के बीच में कम से कम आपका जो है होना चाहिए। प्लीज़ यूज ओनली अल्फाबेट डिजिट्स और देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ साइन बताए हुए हैं, सिर्फ इन्हीं का यूज़ कर, जैसे @ _ या फिर डॉट, शायद डॉट लगा हुआ है। तो यही एक या दो आप जो है सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं यूजर नेम बनाने के लिए। और पासवर्ड भी बनाने के लिए आपको 7 से 15 करेक्टर का कम से कम पासवर्ड बनाना होगा, जिसमें कि एटलीस्ट आपका न्यूमेरिक डिजिट एंड 1 स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। देन आप कैप्चा कोड डाल के रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन पर जाएंगे, ठीक है। लॉगिन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछेगा जो आपने बनाया, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, लॉगिन कर जाएंगे और अपना फॉर्म फिल कर लेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो इसमें ज़रूर अप्लाई करें, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी वैकेंसी आ रही है राजस्थान से, तो ज़रूर से अप्लाई करें। कोई अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगली वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।